हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जिसमें हम चैप्टर पार्ट पढ़ते आ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की हम यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवभूत अवधारणाओं की बात कर रहे थे, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर आपका क्या होता है। देन हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, साथ ही हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर आए थे, जहां पर हमने क्या बोला था कि इसमें आप पांच नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम आपने क्या देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो किसके द्वारा दिया गया था, ए लेवोजियर या एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने क्या कहा था कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही क्या किया जाता है, उसको उत्पन्न किया जाता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, या आप क्या कहते हैं, मैटर को ना ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसको नष्ट कर सकते हैं, या आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी जो आपके रिएक्टेंट होते हैं और फिर वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाकर के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो रिएक्टेंट का टोटल मास रहता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल रहता है, यानी आपका वहां पर मास क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, संरक्षित रह रहा है। ओके, सिर्फ आपका क्या हुआ, पदार्थ का रूप परिवर्तित हुआ। पहले रिएक्टेंट आपके पास कुछ और था, अभी प्रोडक्ट के रूप में आपको कुछ और प्राप्त हुआ, लेकिन द्रव्यमान कैसा रहा आपका, संरक्षित रहा। इसी को क्या कहते हैं, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है स्वतः ही अपने आप से। ठीक है, कोई उसको बताता नहीं है या स्पेशली वहां पर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं अप्लाई की जाती है कि जिससे कि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करें, बल्कि क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वो अपने आप से, जितने भी आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप लॉस पढ़ेंगे उन सब का पालन करेंगे। ओके, तो ये आपका क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। दूसरा आपने क्या कहा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें कि हमने क्या बात की, भार के अनुपात की बात की, और वो भार का अनुपात किसका था, आपके यौगिक में जो जो घटक या कंपोनेंट्स थे उनकी बात की जा रही थी। ठीक है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक है जो कि अलग अलग अवयवी घटकों से मिलकर के बना हुआ है, तो उस यौगिक में पाए जाने वाले अवयवी घटकों के भार का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, या निश्चित अनुपात का नियम भी इसे कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि आपका एक कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, जिसमें उसके अलग अलग अवयवी घटक होंगे और उनके भार का अनुपात कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर रहने का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड को किसी भी केमिकल प्रोसेस से बनाया गया हो या किसी भी विधि द्वारा उसको बनाया गया हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, उसे किसी भी सोर्स या स्रोत से लिया गया हो, हर एक स्थिति में उसके अवयवी घटकों का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा। जैसे आपने किसकी बात की थी, H2O की बात की थी। ठीक है, तो H2O में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो क्या आ रहे हैं, आपके कंपोनेंट्स आप बोल सकते हैं, आप अवयवी घटक बोल सकते हैं, तो दोनों का अनुपात कितना आ रहा था, 1:8 आ रहा था। तो ये H2O को आप कहीं से भी बनाएं, कैसे भी बनाएं, हर एक केस में आपका क्या होगा, उसके भार का अनुपात 1:8 ही रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट आपको पता है कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम है तो 16:2 हो जाएगा, तो 12:32 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आता है, 3:8 का रेशियो आपके पास आता है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी किसी भी विधि में बन रही हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, या आप कह सकते हैं किसी भी स्रोत से आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, हर एक स्थिति में कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है,
कार्बन और ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात होगा, ठीक है, भार के अनुपात की बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक वेट यहाँ पर लिया जा रहा है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसका अनुपात कितना रहेगा, 3:8 रहेगा। यानी अगर हम ग्राम में लेते हैं तो अगर आप 3 ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो 8 ग्राम उसके साथ क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। और जब तक इस 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन नहीं मिलती तब तक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा। ऐसे ही हम क्या कह रहे थे, जब तक 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब तक के आपका H2O नहीं बनेगा। ओके, तो ये आपका क्या था, स्थिर अनुपात का नियम था। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या जो गुणित अनुपात का नियम आप कहते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कह रहे थे कि आपके 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये आपस में मिल करके 1 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, 2 सेम एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने लिया है, ठीक है, इससे अलग अलग क्या बन रहे हैं आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक जगह H2O बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के, एक जगह H2O2 बन रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि एक का आपका एटॉमिक वेट क्या कर दिया जाता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो किसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट फिक्स हो गया, तो उस फिक्स्ड वेट के रिस्पेक्ट में हम दूसरे एटम का रेशियो निकालते हैं। तो इन दोनों का, इन दोनों ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मतलब H2O में ऑक्सीजन जो है और H2O2 में जो ऑक्सीजन है उसके भार का अनुपात हम देखते हैं, वो हमेशा क्या होता है, छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में आपको मिलता है। यही आपका क्या कहता है, गुणित अनुपात का नियम कहता है। ओके, ये किसके द्वारा दिया गया था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1803 में। वही इससे पहले जो आपने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा वो जोसेफ प्रॉस्ट द्वारा दिया गया था। ओके, तो डाल्टन ने ये बताया, क्या बोला उन्होंने, इफ टू एलिमेंट क्या हो गए आपके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे, एक आपका क्या है H2O और दूसरा आपका क्या है H2O, ओके, ये बना रहे हैं, देन द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास, ठीक है, किसके, किस एलिमेंट का मास, ऑक्सीजन का बोल रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है और वो किससे कंबाइन हो रही है, फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, तो फिक्स्ड मास किसका है, H2O2, ठीक है, जो इससे जुड़ रही है, फिक्स्ड एलिमेंट के मास से जो दूसरा एटम जुड़ रहा है उसके भार का अनुपात कैसा होगा बोल रहे हैं, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, यानी ऑक्सीजन के भार का अनुपात स्मॉल होल नंबर्स में आपको मिलेगा, छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, 16 ग्राम, और दूसरे H2O2 में मिल रही है 32 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, एक जगह आपका 16 ग्राम आ रहा है और दूसरी जगह कितना आ रहा है, 32 ग्राम आ रहा है, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। तो ये छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में है, ना यहाँ पर कोई डेसिमल है, ना हाफ नंबर है, फ्रैक्शन है, कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा। तो ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ कहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आया था, गेय लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, और इसमें हमने क्या कहा था कि आपका या तो वहां पर जो दो गैसेस कंबाइन हो रही है या रिएक्शन में आपकी गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है, यानी गैस आपस में जुड़ रही है या फिर गैस एक उत्पाद के रूप में आपको मिल रही है, ऐसी कोई अभिक्रिया हो रही है। फिर आप क्या कह रहे थे कि वहां पर क्या होता है, वॉल्यूम के रूप में आप इस लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम आपका कुछ भी हो सकता है उस रिएक्शन के केस में। ओके, यानी अगर आपका A प्लस 2B फॉर्म मिल रहे हैं और ये 3 ये आपका C बना रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम आपका इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका फिर 1 हो गया, तो इनके जो वॉल्यूम का अनुपात होगा, रेशियो होगा आयतन का, वो कैसा होगा, सिंपल नंबर्स में होगा, यानी इसका कितना आ गया वॉल्यूम, 1 ले रहे हैं, इसका 2 ले रहे हैं, और इसका कितना ले रहे हैं, इसका भी 1 आ रहा है, तो 1:2, 2:1 के रेशियो में ये आपस में क्या दिख रहे हैं, ठीक है, 1:2 के रेशियो में आपके दो
जो अलग अलग रिएक्टेंट है ए और बी वो आपस में मिल रहे हैं और एक आपका सी बन रहा है, वन वॉल्यूम में सी बन रहा है, तो ये इनका अनुपात हो गया किसका, वॉल्यूम का यानी आयतन का अनुपात हो गया और इस आयतन के अनुपात में ये आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो गैलुसाक ने ये नियम दिया था, तो इस उनके नाम पर आपको गैलुसाक्स लॉ भी आप कहीं पर पढ़ते हैं या गैसियस लॉ के नाम से भी आप इसको पढ़ेंगे। दिस लॉ वॉज गिवन बाय गैलुसाक इन 1808। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, गैसेस आपका आपस में कंबाइन हो रही हैं या फिर क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यानी ये रिएक्शन कब होनी चाहिए, जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए, उस केस में आपका जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो कैसे आएगा, सिंपल नंबर्स के रूप में आएगा। ठीक है, देन हमने क्या बोला कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन वाटर देता है आपका, दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन 100 ml एंड 50 ml बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आपका, H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं आपका, 2H2O बना रहे हैं, ये वेपर के रूप में आपको मिल रहा है, तो H2 आपका 100 ml है, O2 आपका कह रहे हैं कितना 50 ml, और 2H2O आपको कितना मिल रहा है, ये भी आपको 100 ml मिल रहा है। तो अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100:50, दैट मीन्स 2:1। तो ये सिंपल रेशियो में ये दोनों आपस में जुड़ रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, और अगर इसको आगे कर लेते हैं तो 2:2 आ जाएगा वाटर के लिए। ठीक है, तो 2:1:2 का रेशियो आ जाएगा, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो ये रेशियो कैसा है, सिंपल नंबर्स के रूप में आपको मिल रहा है। ओके, आज हम नया पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो का लॉ क्या कहता है, इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, प्रत्येक गैस का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, इक्वल है किस पर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जिन गैसेस का वॉल्यूम क्या है, समान है, शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यानी क्या समझ में आया, जो गैसेस इक्वल वॉल्यूम में मिलती हैं आपको, समान वॉल्यूम या समान आयतन में अगर आपको गैसेस मिल रही हैं और वहां पर अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, फिक्स किया जा रहा है या सेम रखा जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, वो उनमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं, या आप उनको नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं। एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल विच इज क्वाइट अंडरस्टेबल इन प्रेजेंट टाइम। इफ वी कंसिडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वॉटर, वी सी दैट टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combine with one volume of oxygen to give two volume of water without leaving any unreacted oxygen. Okay? क्या समझ में आया आपको इससे, पहली बात कि एवोगैड्रो ने ये नियम दिया था और कब दिया था, 1811 में दिया था। उन्होंने भी गैस के बारे में नियम बताया, जैसे आपने वॉल्यूम से रिलेटेड गैसेस का नियम पढ़ा वैसे ही ये नियम भी था। ठीक है, ये नियम आपका क्या कहता है कि जब इक्वल अमाउंट में, या आप क्या बोलोगे, कोई गैसेस ऐसी हैं जिनका वॉल्यूम समान रखा जा रहा है, ठीक है, समान गैसेस, समान वॉल्यूम वाले गैसेस को जब कहाँ रखा जा रहा है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जा रहा है, उस केस में उनमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी अणुओं की संख्या भी वहां पर समान होगी, या आप क्या बोल सकते हो, उनके मोलों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ओके, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, सभी समान आयतन की गैसेस में अगर उनको क्या रखा जा रहा है, सेम तापमान और कब, सेम प्रेशर पर, ठीक है,
समान तापमान और समान प्रेशर पर आपका जो समान वॉल्यूम की गैसेस हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या भी समान होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। देन आपको एवोगैड्रो ने मॉलिक्यूल और एटम के बीच में डिफरेंस बताया। ठीक है, जो कि उस टाइम तक समझ में नहीं आता था इतना कि मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, क्योंकि एटम के बारे में इतनी डिस्कवरी तभी तक नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं कि एटम क्या है आपका और मॉलिक्यूल क्या है। ओके, और उन्होंने क्या बताया कि आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रही है, और कंबाइन होकर क्या बना रही थी, वाटर को प्रोड्यूस कर रही थी। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से, उस एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, क्या हो रहा था आपका H2+O2 मिलकर के आपका H2O बनाएंगे, और आप क्या करेंगे जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो क्या देखते हैं, 2H2+O2 = 2H2O बनता है। ठीक है, यानी दो मॉलिक्यूल आपके किसके जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन के किससे, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, और क्या बना रहे हैं आपका, दो मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर भी रेशियो देखते हैं तो आपका 2:1:2 का रेशियो आता है। ठीक है, ये आ रहा है गैलोसाक के नियम के अनुसार आयतन का जो रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है आपका, और ये कैसा है, सिंपल नंबर के रूप में आपको मिल रहा है, या छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में अनुपात आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें से आपको कितने पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स की संख्या पर, या आपके मॉलिक्यूल के अणुओं की संख्या जो है उस पर निर्भर कर रहा है किसका, गैसेस का आयतन। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो आप यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो आपका इज इक्वल टू K4N आ जाता है। ठीक है, ये K4 यहाँ पर क्या है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। एंड वी नो दैट N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी जितना आपको मास दिया गया होगा उस रिएक्शन में, उस कंपाउंड का, उसका मास, और बटे उसका जो आपका आणविक द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाता है। ये एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास को आप स्मॉल डब्ल्यू से लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास आपका क्या आ जाता है, कैपिटल एम आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एन की वैल्यू है। ठीक है, इस n की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, इसको हम रिएक्शन वन मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन मान लेते हैं, इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K4W/N ये हो जाएगा। इसको आप W भी लिख सकते हैं या स्मॉल m भी लिख सकते हैं, वेट ही है वो, मास ही है आपका, ये आ जाएगी वैल्यू। ओके, इसको नोट करिए जल्दी। ये आपका यहाँ पर निकल गया है आयतन और किसके बीच में, आपने कहा मॉलिक्यूलर मास के बीच में आपका रिलेशन आ गया है। अब इसको आप किसके रूप में ले लेंगे, मॉलिक्यूलर मास के टर्म में ले लेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से m इज इक्वल टू v, यहाँ आ जाएगा K4W/V। ओके, ये आ गया, और यहाँ से W by V, W क्या है आपका,
मास जिसे आप बोल रहे थे, गिवन मास बाय वी, वी क्या है आपका? वॉल्यूम है, यानी आयतन, ठीक है। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका? डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू के फोर इंटू डी। तो आप क्या बोल सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूलर मास है जो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा डेंसिटी पर, घनत्व पर। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखें। यहां पर आपके दो टर्म्स आए थे, उनको समझ लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एटम आपका क्या था, जब भी आप पढ़ रहे थे कि स्मॉलेस्ट क्या होता है, पार्टिकल होता है मैटर का, वो क्या है? एटम है। और आप क्या बोलते हो, जब डाल्टन के केस में आप पढ़ रहे थे तो आपने क्या बोला? इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने भी आपका एटम और मॉलिक्यूल के बीच में अलग अलग चीजें बताई। तो आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलेंगे एटम को, और मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? जब एटम एटम आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर वो क्या बनाएंगे? आपस में मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, ओके। तो परमाणु परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? आपका अणु बनाते हैं, ठीक है। वही अणु क्या है आपका? मॉलिक्यूल है। तो इतना एवोगैड्रो का लॉ हमने पढ़ा। आगे हम डाल्टन की थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन 1808 डॉल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी इन विच ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग, ठीक है। डॉल्टन से पहले आपके डेमोक्रिटस आए थे। डेमोक्रिटस ने भी किसके बारे में बात की थी? आपके मैटर यानी पदार्थ के बारे में बात की थी, ठीक है। डेमोक्रिटस के अलावा आपने महर्षि कणाद के बारे में, इंडियन फिलोसोफर, और कात्यायन के बारे में पढ़ा है। उन्होंने भी अपनी अपनी अवधारणाएं दी थी पदार्थ के बारे में और परमाणु के बारे में, ठीक है। आपका महर्षि कणाद ने कहा था अपनी अवधारणा के आधार पर, अपनी अपने दर्शन के आधार पर, कि जो आपका क्या होता है, पदार्थ होता है, वो किन्हीं तो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होगा। यानी अगर किसी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो एक पार्टिकल ऐसा आएगा कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे या वो फर्दर डिविजन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसी पार्टिकल की बात कणाद ने की कि वो पार्टिकल कैसा होगा, कि आपका सूक्ष्मतम होगा या पदार्थ ऐसे ऐसे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होगा, ठीक है। कात्यायन ने कहा कि ये पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण हैं, ये एनवायरमेंट में फ्रीली स्टेट में नहीं घूमते, ठीक है। यानी ये किसी न किसी फॉर्म में, जैसे यौगिक के रूप में, कंपाउंड के रूप में, आपको मॉलिक्यूल के रूप में मिलेंगे। तभी उन्होंने कंपाउंड और मॉलिक्यूल का नाम नहीं दिया था, सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि आपका जो एटम होगा या जिस सूक्ष्मतम कण की बात, परमाणु की बात की थी, वो परमाणु आपका फ्री स्टेट में नहीं घूमे, ठीक है, वो किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। उसके बाद ग्रीक आपके फिलोसोफर आए, डेमोक्रिटस, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने सेम चीज को रिपीट किया, जिसको महर्षि कणाद ने परमाणु कहा, उन्होंने उसको बस क्या कह दिया कि ये एटम है, ठीक है। यानी जो आपका पदार्थ है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, और वो सूक्ष्मतम कण कैसे हैं? इंडिविजिबल है। डॉल्टन का, जब डॉल्टन क्या थे आपके, इंग्लिश फिलोसोफर थे, और इनका जो क्या था आपका परमाणु सिद्धांत था, वो भी डेमोक्रिटस से क्या था, प्रभावित था। यानी जो बातें डेमोक्रिटस ने की, लगभग वही बातें किसने की? डॉल्टन ने, ओके। तो सारी चीजें, वही चीज महर्षि कणाद ने कही, वही आपका किसने कही, कात्यायन ने उसको थोड़ा इलैबोरेट किया, डेमोक्रिटस ने सेम चीज कही, फिर डॉल्टन ने भी वही चीज कही कि आपका जो मैटर होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, और वो कैसे होते हैं? इंडिविजिबल का मतलब अविभाज्य, यानी उनको फर्दर क्लासिफाई आप नहीं कर पाएंगे, वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे या डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ओके।
आइए चलते हैं और पढ़ते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं। पहली अवधारणा आपकी क्या थी? मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। ठीक है, मैटर किससे बना हुआ है? अभी तक एटम नहीं, पार्टिकल्स उसे बोल रहे थे कि जो आपका पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है और ये सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्मतम कैसे कण? इनडिविजिबल यानी अविभाज्य, ठीक है, जिनको क्लासिफाई या डिवाइड आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोई मैटर है, इस पेन को हम मैटर मान लेते हैं। ये मैटर क्या है? अविभाज्य कणों से, यानी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, ठीक है, फिर इसके दो पीस कर लिए, फिर उस एक पीस से फिर दो पीस करेंगे और ऐसे ऐसे हम क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो अंत में हमें एक ऐसा पार्टिकल इस पेन का मिलेगा कि जिसको हम आगे तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसी इनडिविजिबल पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया था? इस इनडिविजिबल पार्टिकल को एटम यानी परमाणु नाम दिया था। किसने? डाल्टन। सेकेंड, उन्होंने कहा ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। उन्होंने क्या कहा कि एक पदार्थ में पाए जाने वाले जो परमाणु होंगे, ठीक है, एक कोई पदार्थ है, इसमें जितने भी एटम होंगे, ठीक है, वो आइडेंटिकल होंगे, यानी सेम तरह के होंगे। सेम तरह के किस तरह से बोलेंगे? सेम साइज उनका होगा। ठीक है, सेम साइज किस वजह से होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट में, यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं या ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन किससे बना हुआ है? एक एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना है, यानी उसमें ऑक्सीजन के जितने एटम होंगे वो सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, सेम। ठीक है, और सेम किसमें? एटॉमिक नंबर में सेम होंगे और एटॉमिक मास भी उनका क्या होगा? सेम। ठीक है, वही अगर इसके कंपैरिजन में ये ए कोई ए एलिमेंट है और हम कोई बी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब दो एलिमेंट की तुलना करेंगे तो उसके जो एटम्स होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी बी के एटम्स की बात करेंगे तो बी के एटम हो सकता है साइज में बड़े हों, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया। ठीक है, और इस ए का जो एटॉमिक नंबर होगा वो बी से अलग होगा। ठीक है, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के जो अलग अलग एटम होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होंगे, यानी सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम होगा। ठीक है, वही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका क्या होगा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ऐसा किसने बताया? डाल्टन ने बताया। ओके, तीसरी चीज उन्होंने क्या कही? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आपके कंपाउंड यानी यौगिक फॉर्म हो रहे हैं कब? जब आपके एलिमेंट अलग अलग एटम्स के रेशियो में क्या हो रहे हैं? फिक्स्ड रेशियो है जो। ठीक है, जैसे किसकी बात की? H2O की बात। ठीक है, तो इनका एटॉमिक जो क्या है, रेशियो होगा, वो फिक्स होगा, एटम का जो रेशियो होगा, यानी हाइड्रोजन के आपके दो एटम्स मिल रहे हैं, वही ऑक्सीजन का एक एटम मिल रहा है, और जब हम वाटर बनाएंगे तो हमेशा ये दो अनुपात एक के अनुपात में ही मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन के दो एटम जुड़ेंगे और ऑक्सीजन का आपका एक एटम जुड़ेगा। अगर इनके एटॉमिक नंबर एटम्स में हम चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स में चेंज कर देते हैं, तो ये कंपाउंड भी आपका चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम ओ की जगह, यहाँ पर हम एक ही ऑक्सीजन ले रहे थे, इसकी जगह अगर हम दो ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये H2O2 हो जाएगा। इस केस में ये क्या बन जाएगा? आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। ओके, तो आपके जो क्या होते हैं, एलिमेंट्स के एटम होते हैं, वो किसी कंपाउंड में अपने एटम्स के फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, तभी वो क्या बनाते हैं? कोई कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट था, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी एटम क्या करते हैं? आपके पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम क्या कह रहे थे, H2 plus O2 आपस में मिल रहे थे और क्या बना रहे थे? आपका
2H2O बना रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम आपने क्या बोला, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम क्या कर रहे हैं रिएक्शन में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यानी आपके एटम्स जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग करते हैं, और उस अभिक्रिया के होने पर ना ही वो नष्ट होते हैं किसी प्रकार से, ठीक है, उनको किसी प्रकार, और ना ही वो क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ओके, इतनी चीजें हमने किसमें पढ़ी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पढ़ी। होपफुली आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, एवोगैड्रोस का लॉ पढ़ा, साथ ही हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, वहीं हमने अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या किए, रिवाइज किए। होपफुली सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लें। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।